रीथिंकिंग की बारी है या फिर टाइम का बस खेल है, कभी मंदी तो कभी तेजी। जैसे आपने बोला कि लॉस तो मतलब लॉस नहीं बोलूंगा, लॉस वर्ड गलत है, लेकिन पोर्टफोलियो के वैल्यू में गिरावट वो एक परमानेंट फीचर है। वो मतलब आप स्टॉक मार्केट में आएंगे तो वो चीज मिलेगा मिलेगा। इट्स नॉट लाइक अ बॉन्ड कि भाई ऐसा आपको पूरा हर दिन 2 रुपए 5 रुपए से बढ़ते रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। सो कभी वो 5 रुपए बढ़ेगा फिर 2 रुपए घटेगा। तो ये जैसे समुद्र में लहर होती है ऐसे बाजार में ये ऊपर नीचे होता है। तो उसमें होता क्या है कि कई बार बहुत बड़ी लहर आती है तो आपने 3 गुना हो गया, 4 गुना, 10 गुना हो जाता है, 20 गुना हो जाता है, वहां से फिर 3-4 गुना सॉरी 25-30% वहां से गिर भी जाता है। तो जब गिरावट आती है तो लोगों को डर लगता है। जो पुराने जो खरीदे थे जिनको प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट में लॉस होता है उनको भी डर लगता है, और जो ऊपर में खरीदे उनको तो बेचारों को प्योर लॉस होता है। तो अब वो क्या है कि जो जिनको प्योर लॉस होता है उनका दर्द बहुत ज्यादा होता है, जिनको प्रॉफिट में लॉस होता है उनको भी दर्द होता है लेकिन थोड़ा कम होता है। लेकिन ये लॉस तो ये तो होगा ही होगा, ये तो जान रखिए आप। अब सवाल ये है कि ये हाउ डू यू हैंडल इट पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो आपने खाली यदि ट्रेडिंग के लिए खरीदा हुआ है तो फिर आप अपने जो भी आपका ट्रेडिंग गाइडलाइंस है कि भाई आपका स्टॉप लॉस है या ये वो सब आप ऑब्जर्व करिए, वो मुझे नहीं मालूम कैसे होता है। लेकिन इन्वेस्टिंग में ये तो आपको जाके ये देखना पड़ेगा कि आपके अजम्पशंस क्या है, आपने क्यों खरीदा था और वो अजम्पशंस अभी भी सत्य हैं क्या, या वो उसमें कुछ बदलाव आया कि आप सोचते थे कि ऐसा ग्रोथ आएगा, ऐसा प्रॉफिट आएगा, ऐसा प्रॉफिटेबिलिटी आएगा, वो सब चीज़ नहीं हो रहा है। तो फिर आप सोचो कि भाई वेदर यू वांट टू रीअसेस योर एंटायर इन्वेस्टमेंट आर्गुमेंट, है ना। और यदि मान लो नहीं तो फिर आप बैठे रहें, क्योंकि वो वापस से आएगा। यदि मान लो कंपनी ऐसी चल रही है, जैसे आपका इस साल का प्रॉफिट 100 करोड़ है, अगले साल का 200 करोड़, फिर उसके बाद अगले साल उसके 5 साल के बाद 300 करोड़ का है, तो यदि वो आपको वो जो अजम्पशन है वो सही है तो ये स्टॉक प्राइस जो है ना इट विल रिफ्लेक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट 500 करोड़ प्रॉफिट। सो यहाँ से वापस करेक्ट हुए, वापस 5 गुना बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। जैसे आप HDFC बैंक सोचे, आप वो चालू हुआ 1000 करोड़ से कभी 96 में, एक्चुअल में 800 करोड़ से चालू हुआ, हाँ 40 का भाव होता था और आपको जितने शेयर चाहिए थे मिलते थे। वो 1000 करोड़ वाला कंपनी जो है आज 6 लाख करोड़ का हो गया। इसका मतलब ये कि पूरा सीधे स्ट्रेट लाइन में हुआ है, उसमें भी तो बहुत गिरावट आई है, बहुत गिरावट उतार चढ़ाव। सो बट दैट वाज अ कोटेशन लॉस।